गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू राइट लेसन नंबर 9, ही और सी एक्सरसाइज मैच कॉलम ए विथ बी, सी ग्रुप विथ ही ग्रुप. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन नोट नंबर टेस्ट बुक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इट इन नोट नंबर 4. ओके, दिस इज द नोटबुक फॉर ग्रामर. राइट डाउन क्लास वर्क एंड डेट 8/10/2020. मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम COLOMN. कॉलम यानी जो वर्ड्स अलग अलग ग्रुप में हमने लिखे हैं इसको कॉलम बोलते हैं. ओके, सी ग्रुप ही ग्रुप. देन वी आर गोइंग टू मैच द वर्ड्स PEAHEN पीहेन विथ पीकॉक, PEACOCK पीकॉक. पीहेन वुमेन मैडम लायनेस प्रिंसेस ग्रैंडमदर डॉटर लेडी, दिस आर द वर्ड्स ऑफ सी ग्रुप. एंड सर लायन प्रिंस ग्रैंडफादर पीकॉक सन जेंटलमैन मैन, वर्ड्स ऑफ ही ग्रुप. नाउ वी आर गोइंग टू मैच दिस. ओके, पीहेन विथ पीकॉक, PEAHEN पीहेन, PEACOCK पीकॉक. मैच लाइक दिस and write number 1 near peacock. Woman, WOMAN woman, we have to match with MAN man. Then write here number 2. Okay, then madam, MADAM madam with sir. Hum jo teacher hamare hote hain unhe hum kya bolte hain, madam. Principal ma'am ko bhi madam bolte hain. फिर सर, जो मैं सर भी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो यू हैव टू मैच लाइक दिस एंड राइट नंबर 3. लायनेस, LIONESS लायनेस यानी सेनी, और लायन यानी से. यू हैव टू मैच लायनेस विद लायन एंड राइट डाउन नंबर 4. PRINCESS प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी जो राजा की बेटी होती है, राजकुमारी है ना. प्रिंसेस हम किससे मैच करेंगे, प्रिंस से. PRINCE प्रिंस, प्रिंस यानी राजकुमार. नंबर 5. देन GRANDMOTHER ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर हम इंग्लिश में किससे कहते हैं, दादा को, दादी, दादी को, नानी को ग्रैंड मदर बोलते हैं, जो कॉमन वर्ड है इंग्लिश में. ग्रैंड मदर नानी को भी बोलते हैं, दादी को भी बोलते हैं. तो उनको मैच करना है ग्रैंड फादर, यानी दादा भी होते हैं और नाना भी होते हैं. GRANDFATHER ग्रैंड फादर. देन राइट योर नंबर 6. देन डॉटर, डॉटर यानी बेटी, DAUGHTER डॉटर. यहाँ पे जी साइलेंट है तो आप बोलेंगे डॉटर, DAUTER डॉटर. डॉटर को मैच करेंगे SON सन, SON सन. LADY लेडी, लेडी को मैच करेंगे जेंटलमैन से, स्त्री पुरुष. लेडी यानी वुमेन और जेंटलमैन यानी मैन. तो नंबर 8. ओके, देन अगेन आई एम सेइंग द वर्ड्स पीहेन पीकॉक, वुमेन मैन, मैडम सर, लायनेस लायन, प्रिंसेस प्रिंस, ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर, daughter, son, lady, gentleman. So this we have matched. Then next exercise is write any 3 names of C group. WRITE write any, यानी कोई भी 3 names लिखने हैं. THRWE3NAMES names of C group, यानी C group वाले जो words हैं उसमें से कोई भी 3 words लिखेंगे. जैसे मैं लिख रही हूँ GIRL girl, GIRL girl. Then LADY lady, LADY lady. Then MADAM madam. So these are the 3 words which belongs to C group.
देन राइट एनी थ्री नेम्स ऑफ ही ग्रुप. ही ग्रुप वाले जो वर्ड है उसमें से कोई भी थ्री ही नेम वाले लिखेंगे, जैसे के आई एन जी, किंग, किंग भी ही नेम है. देन यू एन सी एल ई, अंकल भी ही नेम है. फिर एफ ए टी एच ई आर, फादर भी ही नेम है ना. तो हम कोई भी थ्री वर्ड्स ही नेम वाले लिख सकते हैं. देन सर्कल द ही नेम्स, यानी जो ही नेम्स इसमें दिए हैं उसे सर्कल करने, इसमें ही और सी दोनों के नेम्स दिए हैं, जो ही नेम्स हैं उसे सर्कल करने. एंड अंडरलाइन, यू एन डी ई आर एल आई एन ई, अंडरलाइन द सी नेम्स. हमें सी नेम्स वाले जो वर्ड है उसे अंडरलाइन करना है और ही नेम वाले जो वर्ड है उसे सर्कल करना है. ओके, जी आई आर एल, गर्ल, गर्ल इज अ सी नेम, सो वी हैव टू अंडरलाइन लाइक दिस. टी आई जी ई आर, टाइगर, टाइगर इज ही नेम. एच ई एन, हैन, हैन इज सी नेम, अंडरलाइन. टी आई जी आर ई डबल एस, टाइग्रेस, अगेन सी नेम, अंडरलाइन इट. सी ओ डब्ल्यू का, इट्स अ सी नेम. गाय माता होती है ना, तो सी नेम हुआ, सो अंडरलाइन. बी ओ वाई बॉय, ही नेम, सर्कल. के आई एन जी, किंग, सर्कल, इट्स अ ही नेम. क्यू यू डब्ल्यू एन, क्वीन, सी नेम, अंडरलाइन इट. एफ ए टी एच ई आर, फादर, ही नेम, सर्कल इट. एम ओ टी एच ई आर, मदर, सी नेम, अंडरलाइन इट. एस आई आर, सर, ही नेम, सर्कल इट. देन एम ए डी एम, मैडम, सी नेम, अंडरलाइन इट. सो दीज आर द एक्सरसाइज. टुडे यू हैव टू राइट इन नोट नंबर 4. ओके, कौन सी नोटबुक में लिखोगे? नोट नंबर 4 जो ग्रामर की है. ये आज हमने लेसन नंबर 9 नोटबुक में कंप्लीट कर लिया. ओके, गुड बाय.